हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप मकान बनाते हैं और उसका लेंटर डलवाते हैं तो क्या होता है कि कल होकर के, खास करके गर्मियों के दिन में आप देखें कि इस तरह के दरार हो जाता है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लेंटर कल के डेट में डला है और ये कहीं ना कहीं, मतलब कई जगह दरार हो गया है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कितने जगह ये दरार हो गया है। ये देखिए, ये सारी जो है ये दरारें हो गई है। ये लेंटर कल के डेट में डला है और इसमें दरार हो गई है। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये सारी जो है कल लेंटर डला है और आज इस पर दरार आ गया है। तो इसमें ऐसी कोई ना मिस्त्री की गलती है ना कुछ, ये गर्मी के दिन में, खास करके ये गर्मियों के दिन में जो है ये दरार हो ही जाती है। तो इस दरार से आपको बचाव के लिए मैं आपको उपाय बताऊँगा कि जैसे आपका छत में लेंटर में अगर दरार आ गया है, जैसे स्लेब आप डलवाएँ तो इसमें दरार आ गया है, तो इसमें 100% आपको भी इतना नॉलेज है कि जब दरार छत में रहेगी तो छत से पानी टपकने का पूरा डर बना रहेगा। तो इसलिए मैं इसको पानी, आपके छत से पानी ना टपके, इसका मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे आज लिंटर डला है और इस तरह से दरार हो गया है, तो ये देखिए, उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि कैसे ठीक होगा। यह देखिए, आप एक बाल्टी में पानी लीजिए। यह देखिए, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी लीजिए। वैसे आप आवश्यकता अनुसार, जैसे कि आपके छत में कितना दरार है, जैसे एक जगह हुआ, दो जगह हुआ या ज़्यादा है, एरिया कितना है, जैसे कि आपका जो प्लॉट है तो वो कितने स्क्वायर फुट का है, 1000 फुट का है, 500 फुट का है, तो उसके हिसाब से आपको दरार के हिसाब से पानी लेना है और उसमें सीमेंट डालना है। वैसे लगभग 1 लीटर पानी में 1 किलो सीमेंट जो है उसका लिक्विड के लिए बिल्कुल अच्छा होगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 5 लीटर पानी है तो इसमें जो है लगभग 5 किलो जो है वो सीमेंट डाला जाएगा। मैं वजन करके नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया है। वैसे मैं 5 किलो तो बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप उसको लिक्विड बनाने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि ज़्यादा गाढ़ा है या पतला है, तो ये इसके भी आपको ध्यान देना है। यह देखिए, अब इसमें सीमेंट डल गया और वो पानी भी डल गया। अब इसमें और क्या डालना है, डॉक्टर फिक्सिड। यह देखिए, ये जो डॉक्टर फिक्सिड है, इसमें 1 लीटर पानी में कम से कम आपको एक ढक्कन डालना है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 5 लीटर पानी में आपको 5 लीटर पानी में 5 ढक्कन जो है डॉक्टर फिक्सिड डालना है। ये देखिए, उसके बाद इसको अच्छी तरह से घोल बनाना है। ये देखिए, ये अब इसको अच्छी तरह से डंडी से आपको मिला मिक्स करना है, ताकि ये जो है, जो आपका छत में दरार हुआ है, वो आपका जो दरार है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बंद हो जाएगी। और आपको इतना भी बिल्कुल आपको नॉलेज है कि जब छत में दरार नहीं होगी तो 100% है कि छत से जो है पानी नहीं टपकेगा। तो मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि आपका मकान में जो सीलन होती है, उससे पूरा दुनिया दुखी है। हर आदमी के घर में यही शिकायत है कि मकान में सीलन है। तो सीलन को रोकथाम के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आपके मकान में सीलन कैसे रुकेगा। तो वो उसी में से, जैसे सीलन रोकने का एक तरीका जो है, उसी में से एक तरीका आज मैं आपको YouTube चैनल पे दिखा रहा हूँ कि आपका जो मकान में सीलन कैसे रुकेगा। ये देखिए, अब ये जो है ये तैयार हो चुका है। अब इसको करना क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, इसको क्या करना है, ये देखिए, जहाँ जहाँ दरार है, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊँगा कि जहाँ दरार है वहाँ करना क्या है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ दरार है तो ये जो लिक्विड तैयार हो गया है, इसको आपको इसको दरार में डालना है। यह देखिए, अब इसमें लिक्विड बनाने का यही एक तरीका है। यह देखिए, और डालना है तो सारे छत पर नहीं डालना है, जैसे कि जहाँ पे दरार था उससे, जैसे मान लिया जाए कि दरार है तो उसे 3-4 इंची आगे पीछे में इस लिक्विड को डालना है। यह देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव डायल के दिखा रहा हूँ, ऐसा करने से क्या होगा, आपका छत में जो दरार हो गई है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये दरार जो आपको बंद करने का सिलसिला करना है, वो ये नहीं कि 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन के बाद करना है, ये सिर्फ 24 घंटा के अंदर ही करना है। जैसा कि आपको, जैसे आज लिंटर डला है तो 24 घंटा होने तक या 24 घंटा के बाद, उसके बाद तुरंत ही इसको ये काम प्रोसेस करना है। अगर ये सूख जाती है, जैसे मान लिया जाए कि आपका ये लिंटर सूख गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सूख गया, उसके बाद अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो बिल्कुल जो लेंटर में जो दरार आई है उसके साथ जो आप सीमेंट का घोल डाल रहे हैं वो बिल्कुल उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगा। मतलब आपका जो दरार है
वो बंद नहीं होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमने क्यों लिक्विड डाला जब दरार बंद ही नहीं हुआ। तो ऐसा आपकी लापरवाही से हो सकता है। लेकिन अगर जैसा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि 24 घंटा के बाद जैसे लेंटर डलता है, स्लेब डलता है, तो तुरंत तो सेट होता नहीं है, उसको सेट होने तक की छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक सेट नहीं होगा, जब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ दरार हुई। जैसे ये सेट होने लगता है, जब ही आपको दरार का जो है दिखाई देगा, ये देखिए, तो जहाँ जहाँ दरार आपको दिखाई देगा वहाँ वहाँ, जैसा कि मैं आपको लिक्विड मतलब बनाने के लिए बतलाया हूँ, सेम वही लिक्विड आपको सारे दरारों में डाल देना है। ये देखिए, ऐसा नहीं कि सारे छत पे नहीं डालना है। सारे छत पे डालने से क्या होगा कि आपका जो मकान में है वो तराई आप कैसे करेंगे, मतलब उसको जो तराई छत पे जो पानी डालते हैं, तो क्या होगा अगर सारे छत पे आप इसी तरह से घोल डाल देते हैं तो अंदर जो लेंटर है स्लेब में तराई आप नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं कहीं जहाँ जहाँ दरार है आप वहीं वहीं इस लिक्विड का इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं आपको बतला रहा हूँ, ऐसा करने से उसके बाद जैसा कि आपने इस लिक्विड से आपने अपने छत की रिपेयर कर दी, उसके बाद आपको कितना देर इंतज़ार करना है। देखिए जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूँ लाइव कि कल इसका लेंटर डला है और आज सुबह सुबह इसकी रिपेयर की जा रही है, उसके बाद क्या करना है आपको, कल मतलब आज की डेट में नहीं करना कुछ, इसको लिक्विड डाल करके छोड़ देना है आपको। फिर कल आपको क्या करना है कि इस पर जैसे छत के जो बाउंड्री है उसके एक एक लाइन ईंटों के लगा करके और इसमें 48 घंटा से लेके 72 घंटा तक कम से कम जो है पानी भर दीजिए। उसके बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका छत पानी टपक रहा है या नहीं। वैसे जैसा प्रोसेस मैं आपको बतलाया हूँ इससे 100% है कि छत नहीं टपकेगा। अगर टपकेगा तो अगर ऐसा लिक्विड नहीं डाले हैं तो आपका पानी जो टपक सकता है। उसके बाद पानी भर करके आप 72 घंटा तक उस छत पर छोड़ दें, उससे आपको पूरी तसल्ली भी हो जाएगी कि हाँ हमारा छत नहीं टपक रहा है, वाटरप्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, आपके मकान में मकान को सीलन से बचेंगे आप। अगर सीलन आपके मकान में नहीं है तो आप मकान से आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि मैं नहीं बल्कि पूरा दुनिया हर आदमी मकान में जो सीलन है उससे पूरा दुखी होता है। इसलिए मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके मकान में सीलन ना आए, इसके लिए मैं अपने चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो डालते हैं जिससे कि आपके मकान में सीलन ना आए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।